सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें बहुत ही मधुर गीत सुना रही हैं, बहुत ही मीनिंगफुल कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। ओम शांति। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है, अपने कर्मों के द्वारा हमें कर्म योग सिखलाना है। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। ओम शांति, ओम शांति। हर संकल्प में छिपी हो शिव बाबा की शान, हर कर्म से पहले हो मन में शिव का ध्यान। करुणा की किरणों से इस जग को चमकाना है, कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। अपने कर्मों के द्वारा हमें कर्म योग सिखलाना है, कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। नैनों में हो रूहानी दृष्टि रूहों को करे भरपूर, मुख में हो मधुर वाणी सबको दुख से कर दे दूर। तपते हुए दिलों पे अब तो दिव्य प्यार बरसाना है, कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। अपने कर्मों के द्वारा हमें कर्म योग सिखलाना है, कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। केवल कर्म नहीं करना है, कर्म में योग को ऐड कर देना है।
योग युक्त होकर कर्म करना है, परमात्म स्मृति में कर्म करना है, तो कर्म की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी और जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। नैनों में रूहानी दृष्टि आ जाएगी, मुख से मधुर वाणी निकलेगी जो सबके दुखों को दूर कर देगी। तपते हुए दिलों को दिव्य प्यार से हमें उबारना है, दिव्य प्यार की वर्षा करनी है। कर्म योग की करामात से इस चक को हमें परिवर्तन करना है। आज की मुरली का सारांश, भगवान शिव कहते हैं कि मैं हूं बेहद का पिता, परम पिता परमात्मा, सुख शांति संपत्ति देने वाला। सभी आत्मा रूपी बच्चे उसे याद करते हैं, सभी उसके बच्चे आपस में भाई भाई हैं। सतयुग में एक ही धर्म होता है, एक ही भाषा होती है, एक ही कुल होता है, सब कुछ एक होता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म में सब दिव्य मानव और मानवी होते हैं। वहां द्वैत है नहीं, वो है अद्वैत राज। वहां सभी सुख शांति में रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि घर में तुम्हें ऐसे गीत रखने चाहिए जिन्हें सुनकर प्रभु याद की मस्ती चढ़ जाए। जैसे गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ऐसे ऐसे गीत होने चाहिए जिन्हें सुनकर प्रभु पिता से बुद्धि का योग लग जाए। कलियुगी मनुष्य देह अभिमान में आकर अनराइटियस कर्म करते हैं, सबकी बुद्धि को अज्ञान एवं अंधकार का ताला लगा हुआ है। मायावी विकार ही उल्टे कर्म कराते हैं, इधर उधर धक्के खाते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, अल्पकाल सुख मिल जाता है। शिव बाबा से तो स्वर्गिक सुख शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। संगम युग पर शिव बाबा इस वाइसलेस दुनिया को, विशेष दुनिया को वाइसलेस दुनिया बनाने आए हैं। आधा कल्प वाइसलेस पीस प्रॉस्पेरिटी की दुनिया होती है सतयुग त्रेता में, आधा कल्प द्वापर कलयुग में पतित विकारी बन जाते हैं तो दुख अशांति को प्राप्त होते हैं। ग्रस्त धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हैं। पहले शिव की अव्यभिचारी भक्ति होती है, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता आदि की भक्ति शुरू होती है, गणेश हनुमान जी की भक्ति शुरू होती है। अभी तो तुम्हें एक शिव पिता को ही हर पल याद करना है। संन्यास धर्म अलग है, सन्यासियों को तो जंगल में जाकर एक परम पिता परमात्मा को याद करना है, लेकिन वो ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। सच्चा सच्चा गुरु है परम पिता परमात्मा शिव। वो आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। दूसरे गुरु तो सदगति नहीं करते, वह तो अपने सदगति के पुरुषार्थ में स्वयं लगे हुए। जन्म मरण के चक्र से मुक्त सदाशिव परम पिता परमात्मा ही मुक्ति दाता है। उनकी स्नेह भरी स्मृति से ही दुखों से निवृत्ति तथा परमानंद की प्राप्ति होती है। ज्ञान के सागर शिव सागर से ज्ञान प्राप्त होने पर ही मुक्ति के द्वार खुलते हैं। ज्ञान से ही चढ़ती कला होती है, अज्ञान से उतरती कला होती है। तुम बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करने से ही चढ़ती कला में जाओगे। विश्व के मालिक बनना है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। ये है सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा। ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है, ज्यादा पॉम्प एंड शो नहीं करना है, ज्यादा ठाठ बाठ नहीं दिखाना है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग रखनी है। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल होनी चाहिए, मन शक्तिशाली हो,
मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो, और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेज फुल बनाओ। कर्मणा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो। प्योर थॉट्स की पावर बहुत होती है, तो अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो ये शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी, ये हमारा सुरक्षा कवच बन जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शांति शांति शांति।